नमस्कार, मैं वंशिका मालवीय और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। आज है शीतकालीन सत्र का सातवां दिन और अभी हमारे साथ मौजूद है रामटेक के विधायक जयसवाल जी। सर, हमारा जो विदर्भ अलग करने का जो मुद्दा है, ये काफी सालों से चला आ रहा है। सबकी मांगे हैं कि विदर्भ अलग होना चाहिए। बीजेपी काफी बार पार्टी हमारे महाराष्ट्र में इलेक्ट होकर आई है, पर आज तक हमारा जो विदर्भ है अलग नहीं हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विदर्भ का विकास ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब जब सरकार में बीजेपी आई है तब तक विदर्भ का विकास हुआ है, क्योंकि नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने ही नागपुर का और पूरे विदर्भ का चेहरा बदला है। आज वो लोग पावर में हैं, इसलिए इस पावर में उनके रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई अलग डिमांड का कोई प्रश्न नहीं, उल्टा जो अनुशेष था विदर्भ का वो लिया जाने का प्रयास चल रहा है। दूसरी बात ये थी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप देखे होंगे कि सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ये कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में और लिमिटेड परिवारों के पास रहती थी, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज अगर आप देखें तो सब कुछ सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल नागपुर का है, नागपुर का महत्व बहुत बड़ा है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह का चित्र बदल रहा है वो आज महाराष्ट्र में एकत्रित रहकर ही बढ़ रहा है। तो सरकार की तिजोरी इतना बड़ा 5 लाख करोड़ का अर्थसंकल्प है, उसमें से जितना पैसा चाहिए लेना चाहिए और काम करना चाहिए, काम कर रहे हैं। सर, साथ ही में अभी हमने नाना पटोले की बाइक ली थी, जिसमें हमने उनसे पूछा था कि विदर्भ के मुद्दों पर आपका क्या कहना है। उन्होंने बोला कि विदर्भ जो बीजेपी है वो वोट इसलिए मांगने आई थी कि हम विदर्भ के लिए लड़ेंगे, पर जैसे ही बीजेपी आई है तो विदर्भ जितना भी बर्बाद हो रहा है वो अभी सिर्फ बीजेपी की पार्टी के कारण हो रहा है। इस पे वो जिन लोगों ने विदर्भ में बैकलॉग निर्माण किया, जिनके सरकार में जैसा कि पता है इंडिकेटर कमेटी, दांडेकर कमेटी, ये सारे कमेटी, उसका अहवाल क्या था कि सरकार के तिजोरी से जो पैसा है वो यहाँ आए नहीं, तो जितना बैकलॉग था ये सरकार ने दूर किया। तो ऐसा बोलना ये पूरी तरह अनुचित है और वो दल बदलते रहते, इधर से उधर जाते रहते, उनकी भाषा बदलती रहती है, उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलना मुझे उचित नहीं है। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही शीतकालीन सत्र से जुड़े और सवालों के लिए और मुद्दों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं वंशिका मालवीय। गंगोत्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट, रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेंशियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध। उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट, फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या। प्रत्येक प्लॉट बुकिंग वर 5 निश्चित उपहार, कलर LED TV, फ्रिज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर। आमची वैशिष्ट्ये भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक DP, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाएं, बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध। 100% सुरक्षित गुंतवणूक, सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा। संपर्क करा शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।